ये देखें ये भाई के बम कुछ और लगी है और हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एक्सरे वगैरह। देख लेना ये प्रॉपर दिखाया तो आपको, ये ना मेरी ना यहाँ से स्वेलिंग हुई पड़ी सारी, नहीं मसी जा रहा था अच्छा भला यार, ऐसा हल्की सी मोच है ये किक, ऐसे रुकी है भाई को दोबारा मैंने ऐसे किक मारी है दोबारा बाइक की जैसे ही तो मोच निकल आई है। मैंने कहा यार बताता चलूँ कि मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सका और मैं इन हालत में बैठा हूँ क्योंकि मुझे पसीना भी देख रहा हूँ, पंखा लेके चल रहे हैं दर्द के मारे ना मुझे पसीना आया हुआ है। अभी इसका एक्सरे भी करवा कर उन्होंने लेके आया, अंदर से थोड़ा गोश का इशू आ रहा है बस, बाकी ठीक है अलहमदिल्ला। बाकी मैंने कहा यार बताता चलूँ कि यार आज ना इस वजह से मेरे साथ ये सीन हो गया। बाकी यार देखते हैं अभी नमाज पढ़ने जाता है नहीं जाता, मैंने सोचा यार घर में ही वो एक चेयर पड़ी हुई है ठीक है उसके ऊपर ना वो जैन नमाज बिछी हुई है तो मैंने उस पर पढ़ लूँगा जुम्मे के टाइम पर नमाज ना आना, थोड़ा सा ना समझ भी नहीं आ रही क्या बोलूँ क्योंकि यार थोड़ा सा ना दर्द भी हो रहा है। मैंने कहा यार बनाऊँ ना बनाऊँ ब्लॉग, फिर मैंने कहा यार फिर डिले हो जाता बहुत ज़्यादा तो फिर इसे अच्छा बना ही लेते हैं छोड़। तो फिलहाल अभी मम्मा ने कहा है कि ना यार हल्दी दूध पी, जो कि मैं अभी पी चुका हूँ दिखा दूँ आपको, हल्दी दूध पी लिया और अभी इसके बाद रेस्ट करना है। ये हालत में बड़ा ज़्यादा नहीं दिखाता आपको, ऐसे शम्मो आ जाएगी आपको भी ठीक है, मैं फिर अभी देखता हूँ आगे कैसे ना वो फिर आपको दिखाता हूँ। नसीब माड़ा होता है बंदे का लेकिन एड्डा माड़ा नहीं होता बंदे का। क्यों क्या हुई क्यों यार तुम्हें दसना मैं यार, मेरा कज़न ही है शानी, उसने कहा मेरे साथ चल खत करवाना तू घर वेला बैठा हुआ है। मैंने कहा यार नमाज खड़ा होने वाला, उसने कहा तब तक हम आ जाएंगे तो चल मेरे खत करवाने। हम अभी गली की नुक्कड़ तक पहुँचे हैं, हालत देख रहे हो भाई की फुल हैवी जेंगो किस्म की हालत हुई पड़ी है। वो अब घर चला गया, घर के करने के अभी हम ना वहाँ तक पहुँचे घर से निकल के ना गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उजैर भाई भी हमारे आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया कोई अंदर पता नहीं है बड़ा ऐसे क्या हो यार भाई। बस यार नसीब माड़े होते तो फिर ऐसा हो जाता है। पागल तो नहीं है पीछे मुड़, पागल वाली हरकत करने लग जाता है, बहुश बना हुआ है ना कितना बांदर बांदर जैसी शक्ल हुई पड़ी। सुने थोड़ा सुधार कर ले तो आज के दिन जुम्मे का दिन है छुट्टी है तो होने दे, तूने ये करना तूने खरीदना है और मैं आया हूँ यहाँ अल्लाह का मना करे 2 बजे, अब शाम को पड़े हैं 6:38, मुझे बताओ इतना टाइम लग गया मुझे सिर्फ वालों को अपलोड करने में, 4 घंटे तो बताओ इसलिए मेरे को लोग अपलोड लेट हो जाते हैं। अब मैं घर जाऊँ मुझे बताओ दोबारा मैं कर नहीं सकता, 4 घंटे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कि अपलोड हो जाएगा, अब यहाँ से ये नहीं होगा मैं घर चले जाऊँगा कि यार नहीं होगा कल करूँगा, इस चक्कर में ना मेरा ब्लॉग डिले हो रहा है बार बार। अब फानू को बुलाया मैंने कहा यार कहीं खाने पीने का भी सीन है बड़ा, वो आता है अब देखेंगे यार 4 घंटे हो गए, फानू को इंतजार खत्म हो गया, शो पे बैठा होता वीडियो अपलोड हुई है टाइम हो गया 8 बज गए तो फानू को मैंने बुलाया मैंने कहा यार बर्गर लेना घर वालों का तो आज चलते हैं फूड मेला पे, यार हमने ऑर्डर एलएफसी भी दिया, हमने फूड मेला पे ऑर्डर दिया एलएफसी से, हम पिक करेंगे। एलएफसी की स्पेलिंग मुझे इस बात पे क्यों थोड़ा लाउड बोल तेज बोल, मुझे पता है हम अनपढ़ जैसे कुरैशी बोलते ना वैसे बोल ज्यादा लाउड, नहीं नहीं बोल क्या दिखा वो तो हूत है वो कैसे बोलता है पता नहीं क्या यार वैसे उसकी लैंग्वेज बोल यार मुझे उसकी समझ तो आया मुझे नहीं समझ, इस टाइम मुझे नींद आ रही है और मेरे दिल को घबराहट हो रही है क्या हुआ है मैं मुझे नींद आ रही है जाके मैंने सो जाऊंगा। तेरे पाँव का मसला ठीक हुआ है? देखो ये देहाती होते ना यार इसके पाँव का मसला है पड़ता यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी सीधे पाँव पे हुआ था मसले की बात नहीं है बड़ी भाई। अब यार यहाँ से ना बर्गर पिक करना है घर वालों को भी सुकून नहीं है बड़ा, बैठे बैठे मुझे कहते हैं यार तो अपना काम तो कर रहा है बाइक चला सकते हैं, मैंने कहा चला सकता हूँ, उन्होंने कहा जाके बर्गर लिया, मैंने कहा बाइक चला सकते इतना दूर नहीं जा सकते, उन्होंने कहा बस हमें जरूरत नहीं है तेरे टांग की बस तू बर्गर लेकर, अब बर्गर लेने घर वालों का। मैंने कहा यार आज का ब्लॉग ना थोड़ा छोटा ही है बड़ा, क्यों छोटा है बड़ा क्योंकि यार टांगों में दर्द था पूरी दिन में सोया पड़ा था, जब उठाऊँ तो शॉप पे आया वीडियो अपलोड करने, वीडियो अपलोड किया तो इधर आ गए बर्गर लेने, बर्गर लेके अब जैसे जाए लेंगे फिर फानू आ गया, फानू कहते भैया मुझे भी ब्लॉग मिले, मैंने कहा आज मसले की बात कोई नहीं है बड़ी। कैसे फानू कितनी देर है वैसे ब्लॉग में उसके ब्लॉग ही कह रहा हूँ कितना टाइम बता रहे हैं भाई? आधा घंटा नहीं 15 मिनट कहते होते हैं, तू भी हूत है बड़ा पूरा। ऑर्डर तूने दिया यार तू किस लिए आया मेरे साथ बेइज्जती कर रहा है, मुझे सपना आते हैं
सुना पैदल जा सकते चाबी दे मुझे क्या चाबी दे चाबी तो मैं जाऊंगा कैसे पैदल जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ तू जाके दिखा मैं चला जाऊंगा बाइक की चाबी दे जा लेके क्यों क्या लेके मैं जाऊंगा लेकर तू नहीं आया चाबी तो मेरी है ना पेट्रोल पेट्रोल किसका लग रहा है गाड़ी में मेरा मेरा लग रहा है पेट्रोल 500 का मैंने नहीं डलवाया गाड़ी तेरी है ना 500 का नहीं 1000 रुपए का डलवाया मैंने सुबह मैंने 500 का डलवाया था रख सर पे हाथ तेरे सर की कसम तेरे गंज की कसम अब तू गया बेटा अब तू गया देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ यार व्लॉग वालों को टिंड भी दिखानी चाहिए मम्मा की कसम व्लॉग नहीं यार टिंड की नहीं है बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल हैं बड़े मेरे ऐसा बात भी नहीं है कि सारे बाल मेरे उड़ गए अब अजाने हो गया अजानों को थोड़ा लिहाज करते हैं वक्त की निशानी है तू बदबخت है बड़े सर पे बाल नहीं आ रहे ना तू बदबخت है बस तुम्हें लग रहा है अब कुरेशी से मिला तो कुरेशी आया तो उसने कहा यार तेरे पाँव का मसला है उस कुरेशी को बताया कि यार मसला ये थोड़ा सा ही होगा ज्यादा मसला नहीं है बड़ा उसने कहा यार चल ठीक है वो भी चला गया अब ना अजान हो रही है थोड़ा सा लिहाज करते हैं घर चल गया आपको मिलते हैं One eternity later. तो यार बर्गर शर्गर लेकर फ्री होकर आ गए घर घर वाले आपस में ऐसे फाइटिंग फाइटिंग खेल रहे हैं तो मैंने कहा आप खेलते रहो अपना ना यहाँ लोग की बात करते बात ये करनी थी कि यार आज के लोग ना थोड़ा छोटा था मतलब मीन्स के बहुत ही कम था पहले की नस्बत ना बहुत कम था कम इस वजह से था क्योंकि मैंने कहा यार लोग डिले नहीं करता पहले बहुत दिन डिले हो गए और डिले करने बैठूंगा तो अच्छी बात नहीं है बड़ी इससे अच्छा ना बना ही लेता हूँ और अच्छा आ जाएगा मतलब उससे अच्छा ना आज मैं बना लेता हूँ थोड़े मिनट का तो कल बनाऊंगा ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है ना इक्वल रह जाएगा आज छोड़ दो फिर कल बनाऊंगा कल छोड़ दो उससे अच्छा ना मैंने कहा यार बना ही लेता हूँ यार और मैंने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करता ब्लॉग कर दो यहीं एंड लोग अच्छे लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना आप कर भी देना बड़ी मेहरबानी होगी आपकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आपका और बाकी भाई को दुआ में जरूर याद रखना याद नहीं रखना ये भी शिकायत है बड़ी यार पाऊँगा ये मसला आ गया याद किया करो यार भाई को दुआ में याद रखो ठीक रहेगा भाई आपका बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।